125 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए रात दिन एक करके कड़ी मेहनत करने वाले और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को आसमान पर पहुंचाने वाले भारत के परम लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी ओर से मैं स्वागत करता हूं। वैसे तो मोदी जी का दिल हर भारतवासी के लिए धड़कता है, परंतु ग्रामीण युवाओं के लिए और ग्रामीण किसान भाइयों के लिए उनके प्रति उनका विशेष प्रेम है। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक तरफ रेगिस्तान था और एक तरफ पाकिस्तान था, लेकिन गुजरात एक पहला राज्य था जहाँ पे 24 घंटे हर घर में और हर किसान को बिजली प्राप्त हुई। और मैं आपको एक 16 वर्ष पूर्व घटना सुनाता हूँ। एक विवाह के कार्यक्रम में मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई। उस समय मैं एक इंटरनेट कंपनी चलाता था और नया नया कॉलेज से पढ़ के निकला था। तो उस टाइम मोदी जी ने मेरे से पूछा कि बेटा तुम क्या करते हो। तो मैंने सोचा कि मैं एक इंटरनेट कंपनी है, कैसे समझाऊँ। नौकरी.com जैसे जहाँ पे लोगों को नौकरी मिलती है उस तरह की कंपनी थी, जॉब जहेड था उसका नाम। तो मैंने समझाना शुरू किया कि साहब लोग बायोडाटा अपना डालते हैं और कॉरपोरेट जॉब पोस्ट करते हैं और उससे लोगों को मिलाते हैं हम। एक मिनट में उनको समझ आ गया और उन्होंने बोला कि हमारे गांव में चौक होता है, हर गांव में एक चौक होता है जहां पे लोग रोज जिनको काम चाहिए होता है वो आते हैं, जैसे कोई लकड़ी का काम करता है कारपेंटर या कोई बिजली का काम करता है, और जिस घर में काम होता है वो लोग वहाँ पर आपस में बात करके जिनको काम देना होता है उनको काम दे देते हैं और उस तरह से आदान प्रदान होता है। तो ये पूरा चीज़ टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत एफिशिएंट हो सकता है, तो आप गुजरात में आके ये काम करिए। तो मैंने सोचा कि साहब अभी तो कोई इंटरनेट भी नहीं है, वहाँ पे टेलीफोन भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, कैसे होगा। तो मोदी जी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा इससे लोगों का फ़ायदा होगा। मैंने कहा हाँ साहब इससे लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर लोगों का फ़ायदा होगा तो प्रयत्न करते हैं, एक किवाड़ बंद होगा दूसरा किवाड़ खोल लेंगे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोज लेंगे। तो उस समय से ग्रामीण युवाओं के प्रति बहुत स्नेह था और एक जुनून था, जज्बा था चीज़ को बदलने का। अब प्रधानमंत्री बन गए हैं, बहुत स्कीम्स लागू कर दी हैं जहाँ पे राजनीतिक स्वार्थ के बिना एक जन आंदोलन के रूप में बहुत चीज़ें गाँव में विकास को पैदा कर रही हैं। शौचालय बन रहे हैं, स्वच्छता का कार्यक्रम हो रहा है, लोगों को बैंक अकाउंट मिल गए हैं, महिलाएँ जो कि धुआं सूंघती थी, धुआं इनहेल करती थी, सिगरेट जैसे पीती थी खाना बनाते टाइम, उनको उज्ज्वला स्कीम के तहत बहुत सारे गैस कनेक्शन मिल गए हैं, और ग्रामीण सड़क योजना और स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत काम हुआ है। इन सब चीज़ों से भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पे पहुंच गई है विश्व में। मैं जनवरी में डावोस गया था, वहाँ पे इतना गौरव का अनुभव हुआ। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने एक ओपनिंग कीनोट एड्रेस दिया जहाँ पे विश्व के सारे बड़े नेता पधारते हैं और उद्योग जगत के लोग पधारते हैं। और जब वहाँ पे लोगों कीनोट एड्रेस ख़त्म हुआ तो वहाँ पे गोरे वेटर्स पगड़ी पहन के समोसा और ढोकला सर्व कर रहे थे। इतनी खुशी का अनुभव हुआ। और जब मैं स्विट्ज़रलैंड पहुंचा, मैंने अपना पासपोर्ट दिया पासपोर्ट ऑफिसर को और उन्होंने पूछा आप भारत से हैं। मैंने कहा जी मैं भारत से हूं। मैंने उससे आप पूछेंगे कहां रहोगे, कितने दिन रहोगे, तुम्हारे पास पैसा है क्या। उन्होंने बोला कि भारत तो अगली महाशक्ति है, सुपर पावर है, और सीधा ठप्पा लगा के मेरे को पासपोर्ट दिया। तो भारत के पासपोर्ट का सम्मान और भारत के पासपोर्ट की पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसको बहुत सम्मान मिला है, बहुत ख्याति मिली है। मुझे लगता है कि अगर भारत को 6ठे नंबर से 3रे नंबर तक पहुंचना है विश्व में, तो भारत के किसान और भारत के युवा की भी वही पहचान और वही सम्मान होना पड़ेगा जो भारत के पासपोर्ट का आज हो गया है। पर यह सब कैसे हो, पीएम साहब तो 16 घंटे काम करते हैं बिना छुट्टी लिए, बिना कोई परिवार के साथ समय गुजारे, अपने आप को उन्होंने देश की सेवा में झोंक दिया है। पर प्रश्न ये है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे बहुत प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा हुए हैं, 29 राज्यों से 1000 लोग हैं
जिन्होंने बहुत अपना जन कल्याण के लिए काम किया है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब ने कुछ ना कुछ नेतृत्व दिखाया है, सबको योगदान देके इस देश को बनाना है। अगर हम अपने पूर्वजों से सीखें तो सब ने मिलकर समाज का निर्माण किया, प्याऊ लगवाए, धर्मशाला बनी, स्कूल बने, अस्पताल खोले गए, कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब ने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक अपना योगदान दिया। किसी ने धन दिया, किसी ने श्रम दिया, किसी ने अनुभव दिया, किसी ने ज्ञान दिया, इसी से समाज का निर्माण हुआ। हम सबको मिलकर एक नए भारत का निर्माण करना है। छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे कार्यों से साथ मिलकर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कोई वृक्षारोपण करे, कोई बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे, कोई बुजुर्गों को सहारा दे, कोई भूखे को खाना खिलाए, कोई सफाई अभियान चलाए, कोई दिल में देशभक्ति जगाए और कोई सकारात्मक सोच लाए, इस तरह से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तो बहुत मेधावी लोग जमा हैं। अगर आप अपनी शक्ति पीएम साहब के साथ जोड़ दें तो उनकी शक्ति हजार गुना हो जाएगी। यहाँ हजार लोग हैं। और एक मोदी जी ने अगर 4 साल में देश को इतना आगे बढ़ा दिया तो आप सोचिए, अगर हजार गुना शक्तिशाली मोदी जी हों तो हम देश को कहां ले जा सकते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस मूल्यवान जीवन को, इस कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल देश के नाम कर दें। बहुत सुकून और बहुत आनंद का अनुभव होगा। अपने जज्बे को, अपने जुनून को, अपने आइडियाज़ को पीएम साहब के साथ जोड़ दें और हम संकल्प करें कि हम इस देश को एक आदर्श देश बनाएंगे तो कोई हमारे को नहीं रोक सकता। डालमिया भारत ग्रुप 5000 गांवों को अडॉप्ट कर रहा है और उन ग्रामों में हम परिवर्तन लाएंगे। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ पीएम साहब के शब्दों में, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। अगर हम ये करें तो इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमने एक गाना गाया था यहाँ पे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। उसी देश को हम सब मिलके मोदी जी के साथ बनाएं। जय हिंद, जय भारत।